अस्सलाम वालेकुम, कुकिंग विद फैमिली में वेलकम। रजब का महीना है तो मैंने कहा क्यों ना आपको जो टिकिया बनती हैं कुंडे, जिसे कहते हैं कुंडे, वो बनाना, आपको टिकिया बनाना बताऊं। हर किसी को नहीं आती, तो चलें शुरू करते हैं। तो मैं बना रही हूँ, आप देखें। अच्छा, इसकी जो नाप जो है हर चीज़ का, वो आप देख लीजिएगा, उसके हिसाब से बनाइएगा, नहीं तो ये सही नहीं बनेंगी, यानी नरम बनेंगी। बिल्कुल आप उसी के हिसाब से जो नाप लेंगे मेरे, तो सही बनेगी। तो आप ये देखें, चाय वाला कप ये देख लीजिए, ये चाय वाला कप मैंने एक लिया है, ये है मैदा। ये इसी के नाप से एक कप कोई सा भी आप लोग चॉइस कर लेंगे, उसी के हिसाब से आप जो ना चीज़ें उसके उससे डालेंगे। ये मैंने ये वाला कप लिया है, आप अब जो ना उसी के हिसाब से एक कप ले लेंगे, उसके हिसाब से। ये देखें, ये मैंने लिए मैदा, मैदा मैंने ले लिया, ये छना हुआ मैदा अच्छी तरह छान लीजिएगा। और यही कप आधा ये मैंने लिए सूजी, ये सूजी ले ली, सही है। और यही कप मैंने आधा पिसी हुई आइसिंग शुगर, इसको पीस लीजिएगा, चीनी को ये ले लिए, सही है, ये हो गए। और ये हमने लिया है एक टेबलस्पून भर के, हमने लिए इसमें सौंफ और तीन से चार इलायची का पाउडर, इसको पीस लिया। और दो टेबलस्पून इसमें वो लिए, क्या है ना, मैं आइसिंग शुगर, ये पीसने में मसला होता मशीन में, इस वजह से मैंने थोड़ी सी चीनी और डाल दी थी, दो टेबलस्पून, ये हो गया। और ये एक टेबलस्पून भर के तिल लिए, सही है, तिल ले लिए। बनाना इतना मुश्किल नहीं है, बस नाप का उसका ध्यान रखना है। और ये मैंने लिया है, ये देखें, ये पहले हम इसको खुश्क है ना, इसको हम खुश्क इन सब चीज़ों को मिला लेंगे, ये अच्छी तरह से मिला लिया, सबको मिक्सिंग कर ली, सही है। बनाना इतना मुश्किल नहीं है, बस नाप जो है ना सही होना चाहिए, हर कोई बना सकता है। और ये हमने ये दो टेबलस्पून घी लिया है, तेल नहीं लेंगे, घी लेंगे। ये हमने दो टेबलस्पून भर के इसमें घी ले लिया। अच्छा, अब हम इसको जो है ना स्पून यूज नहीं करेंगे, क्या आप स्पून से करें, स्पून से नहीं करेंगे, ये हाथ से ही वो होगा। और ऐसे ऐसे करें ना, हमें नो पतला नहीं करना, अगर पतला करेंगे ना तो ये फिर मज़ेदार नहीं बनेंगे जैसे बनने चाहिए। इसको जो है ना ज़रा सख्त, आटे को सख्त रखना है, इस बात का आप लाजमी ध्यान रखिएगा, आटे को हमें सख्त रखना चाहिए रखना। और ये देखें, ये देखें मुट्ठी बन रही है ना, ये देखें घी डाला, ये मुट्ठी बन रही है इस तरह, ये हो गया, अच्छी तरह से सब मिला लिया। अब हम ये दूध डालेंगे, दूध का मैंने इसलिए आपको नहीं बताया कि पता नहीं कितना लगेगा इसमें दूध घूलने में, इसलिए मैंने आपको दूध का बताया नहीं है। हल्का हल्का दूध डाल के गूंदिएगा, एकदम से दूध नहीं डाल दीजिएगा, नहीं तो ये पतला हो जाएगा, तो सख्त ही रखना है हमें। तो ये हम लोग, मैं गून लूँ फिर आपसे मिलती हूँ। अच्छी तरह से ये देखें गून लिया। अब इसको हम 15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए इसको ढक के रख देंगे, फिर इसके बाद हम इसको बेल के आपको दिखाएंगे, सही है, किस तरह बनती है। ये हो गया था आटा, अब इसको हल्के हल्के करके इसको बेलेंगे, सही है, बेल लेंगे ऐसे, इतना मोटा के इसको बेलते हैं। ये जैसा बना लिया, अब इसकी भी हम रोटी दोबारा बेलेंगे और फिर इसी तरह काटेंगे। अच्छा, मेरे पास जो है ना कटर, ये जो है ना ढकना छोटा था, मैंने छोटे बनाए, आप चाहे तो बड़े भी बना सकते हो। देखें, आज बिल्कुल धीमी रखनी है, धीमी आंच पे बनाना है, नहीं तो अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। बिल्कुल धीमी आंच सी लो, बिल्कुल दाना, बल्कि मैं और दाना करती हूँ, बिल्कुल दाना, खुद ही फूल के ऊपर, ये ऊपर फूल के खुद ही आएंगे,
नहीं तो कच्ची रहेंगे। अभी मैंने ताव इसका तेज हो रहा था तो मैंने इसको चूल्हे को बंद ही कर दिया, नहीं तो ये कच्ची रह जाएंगी अंदर से। ये पकेंगी ना फिर हम इसको, ये खुद ही ऊपर आएंगी और ये इसको हम फिर चूल्हे को इसको पलट देंगे, स्टोर करके भी रख सकते हैं ना। हाँ तो ये बस ये देखें बनाई है, ये बन गई है और जो बाकी की रही वो हो गई थी। अभी अभी नरम है, ये देखें ये हवा लगती हैगी ना तो ये बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएंगी। अभी नरम नरम है और गर्म हो रही है, नहीं तो मैं आपको खा के बताती हूँ। बहुत मज़े की बनी है ये मैं देखती हूँ, ये है ना पहले की बनी है, ये देखें क्रिस्पी कितनी है, बहुत मज़े की बनी है। आप बनाइएगा, ट्राई करिएगा और बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो। अल्लाह हाफिज़।